जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कंक्रीट पंप के पाइप कैसे बनाते हैं। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं दिखाता हूँ कि कैसे कंक्रीट पाइप, कंक्रीट पंप का जो पाइप होता है उसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बेंडसे में जो ये ब्लेड की सेटिंग होती है उसे करते हैं। उसके बाद यह पाइप लाइन आप देख रहे होंगे, उसको एकदम सीधा काटना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए क्या है, हमें उसकी सेटिंग करी थी। अब ये देखिए कैसे रख दिया इसे पाइप लाइन को इसके ऊपर, बेंडसे के ऊपर। अब इसको रख के हम इसको नाप के सेंटर से काट लेंगे। अगर पाइप हमारे सारे एक साइज के हैं तो सेंटर से काट लेंगे। अब इसको यहां से रख के और इसको आगे लेंगे, पहले इसको बांस को थोड़ा ढीला कर लेंगे और इसको ऑयल वगैरह डाल लेंगे सब जगह, क्योंकि बहुत सावधानी से काटनी पड़ती है। एकदम कुशल और बेहतरीन कारीगरों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा इसे हम बनवाते हैं और बनाते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल इंजीनियर बना दूंगा। आप देखिए पाइप आप खुद मेक कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, उस साइज का पाइप मिलना चाहिए, क्लैंप मिलना चाहिए और उसके सॉकेट मिलने चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे मैं कंपनी में कैसे तैयार करवा के आपको, मैं आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाता रहता हूँ। ये देखिए पाइप का साइज, पाइप का साइज है एकदम बिल्कुल राइट। 5.5 इंची का पाइप है, जो कंक्रीट पाइप पंप में 5 इंची का यूज होता है। एकदम 5 इंची एक्यूरेट मैंने नाप के दिखा दिया। इसी साइज का पाइप लेना है और 6 mm की थिकनेस होनी चाहिए। अब इसको सेंटर से काट लेंगे, जैसे इंची जैसे निशान लगाया और एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे। आपके पास अगर कंक्रीट पंप है या आप काम करना चाहते हो, टेक्निकल मैकेनिकल हो, कहीं भी शॉप हो, वर्कशॉप हो, तो इसके ऑर्डर ले सकते हो और खुद बना के इसको सेल आउट कर सकते हो। इस पर्पज से मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि हमारे भाई बंधु जो भी हैं बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं जिसके पास बहुत सारे कंक्रीट पंप हैं और उनको जनरली लगते रहते हैं ये पाइप, तो वो खुद अपने पास मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं इसके, अगर मार्केट में ज्यादा महंगा हो रहा हो। या आप मुझसे परचेज ये हमारी मशीन वाले की कंपनी से लेना चाहेंगे तो बोर्ड लाइन नंबर पे जो आपके राइट हैंड पे दिया हुआ है ऊपर कोने में, उस पर कॉल करके ये ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सेंटर लग गया है निशान इसका, हल्का सा सेंटर और मिलाना है, ये एकदम एक्यूरेट मिलाना है और मिला के मशीन को चालू कर देंगे एकदम सेंटर मिला के। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मिला के ये मशीन को हमने चालू कर दिया और ये कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही स्मूथ कटता है ये, इसी से कटना चाहिए, गैस से नहीं काटना है आपको, ना ही ग्राइंडर से, इससे एकदम सीधा राइट एंगल में काटना है। तो ये आप खुद बना सकते हैं पाइप को। आज मैं एक एक प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह ये कंपनी में पाइपलाइन तैयार होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या है पाइपलाइन की सेटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम इसको पैकिंग कर लिया करते हैं, इसके अंदर सील लगा के एक क्लैंप लगा के चेक करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है सेटिंग चेक करना, इससे क्या है कि आप बहुत लंबे लंबे कहीं दूर हो या कहीं भी हो तो पाइपलाइन में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए बेहतरीन हमने डाई बना रखी है, उसी डाई पे एकदम सीधा होना चाहिए यहाँ से वहां तक। ये हमने बैरिंग के रोलर बना रखे हैं जिसपे पाइपलाइन आसानी से घूम भी जाएगा और हम उसे चेक कर लेंगे। और ये कुशल और बेहतरीन इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है, इसकी हम सेटिंग कर रहे हैं। देखिए अब इसका क्या है, ये क्लैंप लगाया जाएगा, इसको लगा के चेक करेंगे कि ये वाकई में सही से प्रॉपर तरीके से बैठा है कि नहीं है। और ये बहुत जरूरी है, अब आपको किसी के नखरे नहीं उठाने, खुद बना सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस लाया हूं मैं, आप खुद ये बिजनेस कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके और बता सकते हैं किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए। और मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि अपने वॉइस डालूँ, ये बहुत कॉपीराइट के क्लेम आते रहते हैं कि मेरी म्यूजिक डाल दी, मेरे गाने डाल दिए। मैं खुद अपना जो भी टूटा फाटा जैसा भी बोल रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता हो तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरा हौसला बनाने के लिए शेयर करें, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी जानकारियां मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। और मुझे बहुत खुशी मिलती है ये जानकारियां देने में, जितना भी मुझे पता है वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये कंपनी में वर्क हो रहा है, वर्क होते हुए ये बना रहा हूँ। ये आज तक वीडियो आप किसी भी यूट्यूबर के यूट्यूब पे नहीं देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम अपलोड हो रहा है कंक्रीट पाइप का। ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये सब सीक्रेट रखते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये सीखनी पड़ती है और पैसे लगते हैं, पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ऐसा हमेशा ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन टेक्निक और नॉलेज ऐसे ही प्रोवाइड करवाता हूँ। जहां भी मुझे दिखता है मैं वो वीडियो बना के अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये नया पाइप है, नए क्लेंस है, तो तुरंत के तुरंत ये इधर सेटिंग करके चेक करना बहुत जरूरी है। पाइप लाइन ज्वाइंट करके सेटिंग करा जा रहा है कि सही से ये प्रॉपर लग जाए। तो ये अभी लगा के देख रहे थे, ये
बैठ गया एकदम बेहतरीन तरीके से बैठ गया। देखिए अब इसको उधर से ठोक के हम इसको टाइट कर देंगे। ये हथौड़ा थोड़ा छोटा है, बड़ा हथौड़ा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लग गया बेहतरीन तरीके से, हाथ फिसल रहा है इनका। ये देखिए ये फिट हो गया, इधर से घुमा के देखो। इसका हाथ फिसल रहा है इंजीनियर का, नहीं तो ये अब तक छूट जाता। ये देखिए एकदम फिट बैठ गया। अब आप देख पा रहे होंगे किस तरह पाइपलाइन बनती है। और इसको जो वेल्डिंग करने का जो है वो बहुत सावधानी से वेल्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा काम हथौड़े से मार मार के होता है इसके अंदर। अब वाइब्रेशन भी होता है जब स्टॉक लगता है कंक्रीट पाइप का, तो बहुत तगड़ा स्टॉक लगता है, खट खट की आवाज आती है, पूरे पाइपों में बहुत वाइब्रेशन भी होता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल मशीन रखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं मिग वेल्डिंग मशीन। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिग वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग हो रही है। एक वायर होती है ये मिग वेल्डिंग, और इसमें CO2 का गैस चलता है साथ में, वो देख पा रहे होंगे, और उससे ये वेल्डिंग होती है। बहुत ही इसको जरूरी है सावधानी से वेल्डिंग करना, और बेहतरीन तरीके से वेल्डिंग करके ये आपकी देखिए कितनी फिनिशिंग और शाइनिंग आ रही है वेल्डिंग। ये हाई वाइब्रेशन भी झेल सकता है। तो ये रहा, ये इसका S1 है जो इसके अंदर माल चढ़ाया जा रहा है, हमारे पास कंक्रीट पंप रिपेयर हो रहा है उसका ये वीडियो। तो ये इसकी पाइपलाइन चलाने रेडी करने की मैंने आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करवाई है। तो कैसी लगी ये वीडियो, और कैसा लगा ये इनोवेशन, और कैसा लगा ये टेक्निक, कृपया मेरे चैनल को ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये पेंट होके रेडी हो गया, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। दिल से नमस्कार, मैं संजीव कुमार, धन्यवाद।